न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रात के 11:30 बजे से, क्योंकि गाइज आज है श्री कृष्ण जी का जन्म, ठीक है, जन्मदिन है। तो आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो गाइज आज हम अपने घर की झांकी दिखाने वाले हैं, क्योंकि गाइज हमारे घर पर हर साल श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और जो भी हमारे आसपास घर के मंदिर हैं, जो भी घर के पास में मंदिर है वहाँ वहाँ झांकी सजाई गई है, तो वहाँ वहाँ का भी ब्लॉग मतलब वीडियो हम बनाएंगे, इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। और गाइस चलिए यही ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स ये है बर्फ़ी जो कि प्रसाद में बांटी जाएगी, तो देख सकते हो ये बर्फ़ी है। और चंदा मिर्च अभी आपको दिखाते हैं, ये चंदा मिर्च जो बांटा जाएगा, और इसके बाद में दिखाएंगे झांकी आपको। बाकी यहाँ पे सेब वगैरह कट रहे हैं जो सब बांटे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे घर की झांकी, तो ऊपर लिखा श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बाकी यहाँ पे पोस्टर लगा दी भगवान जी के, बाकी इधर फुलवारी हो गई, और कुछ इस प्रकार हमारे यहाँ पे सजाई गई है कृष्ण जी की जन्माष्टमी के झांकी। देख सकते हो ये झांकी हमारे घर की। तो अभी झांकी आप लोग यहाँ के देख लो, फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं मंदिर में, जैसे कि हमने बताया मंदिर भी दिखाएंगे, तो देख लीजिए। अब चलते हैं मंदिर। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाबा पाटकंठेश्वर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना सा अच्छे से सजाया गया। बाकी अभी चलते हैं अंदर, बलून वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे। सामने डीजे भी है। तो फ्रेंड्स यही है बाबा खंडेश्वर बाबा, और आप लोग यहाँ से दर्शन कर लीजिए बाबा के, और बाकी देख सकते हो कितने अच्छे से सजाया जाता है शुरुआत। बाकी ये सारा ड्राई फ्रूट है, इसको आप देख सकते हो। तो चलिए अभी पूरा मंदिर आपको घुमाते हैं। इधर देख सकते हो, तो बहुत अच्छे से सजाया जाता है ये हर बार मंदिर, लाइक जैसे कि अभी आप सभी लोग देख ही सकते हो। बहुत अच्छा कृष्ण जी की प्रतिमा मतलब लगाई गई है। देख सकते हो, तो गाइज अभी हम लोग दूसरे मंदिर आ चुके हैं जिसका नाम है श्री मनकामेश्वर, और ये हमारे घर के पास में ही है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ की झांकी, चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइज ये घर में ही झांकी लगाई जाती है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ की भी झांकी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं श्री राधे श्याम मंदिर, तो चलिए अभी आपको बाबा की झांकी दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। तो गाइस ये है मंदिर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रखा हुआ है सिंहासन, और यहाँ पे दत्काना निकाला जाता है, तो कल वो निकलेगा, उसका भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंहासन है, बाकी आप लोग बाबा के दर्शन करिए। गाइस आपको हमने जो भी मंदिर में झांकी सजी थी मेरे घर के पास में, मैंने आपको सारे घुमा दिए। और ये है रासलीला का मैदान, जहाँ पे अभी कल से रासलीला स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे कि मैंने बताया कल दत्काना निकलेगा, उसके बाद में यहाँ से रासलीला स्टार्ट हो जाएगी। तो दत्काना वाला ब्लॉग भी आपको कल मिलेगा। और गाइस आपको ये हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाला ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल भी हो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।